So the next approach to measure the contribution of contribution of education to economic growth is a residual. Residual का यदि आप literal meaning देखेंगे हिंदी में तो सेस और सेस के सेंस में होता है. यहाँ हम लोग उसको थर्ड फैक्टर वगैरह के सेंस में, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम इस टर्म में उसको समझें. सो रेसिड्यूअल अप्रोच इज यूज टू मेजर द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब एक से अधिक फैक्टर, कई सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो उसको मेजर करने में कैसे करेंगे उसकी तरफ इशारा कर रहा है. द रेट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, ये एग्रीगेट और आउटपुट, द रेट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट इज कंपेयर्ड अंडर द अप्रोच व्हिच इज विथ द एग्रीगेट इनपुट. ये एग्रीगेट इनपुट है, ये एग्रीगेट है और इनपुट. मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में यदि हम ये कहें तो एग्रीगेट इनपुट के बढ़ने से एग्रीगेट आउटपुट में क्या डिफरेंस आया है और वो इनपुट कौन कौन है. एलोंग विथ एजुकेशन और भी कुछ है एनीवे. सो बेसिक इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट आउटपुट एंड एग्रीगेट इनपुट एंड व्हाट इज द वैल्यू दैट मेक यू known to the impact or contribution of education to economic growth. The sources of the economic growth are identified to the extent possible in measurable inputs like capital and labor. मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल है कि कैपिटल और लेबर जो आपने लगाया है, कैपिटल किसका, सरकार का, व्यक्ति का, और लेबर किसका, इंडिविजुअल का, वो इम्प्लाई किया गया है और उसका कंट्रीब्यूशन एक एग्जांपल है. इट मे बी इन इज प्रेजेंट सिचुएशन एज वेल बिकॉज कैपिटल इज देयर एंड लेबर इज देयर. द अनएक्सप्लेन्ड मतलब जो जिसकी चर्चा नहीं हुई और उसी को हमने शेष अवशेष बचा हुआ के सेंस में कहा. द अनएक्सप्लेन्ड और रेसिड्यूअल पार्ट मतलब जिसकी चर्चा नहीं हुई है, जो शेष है अनएक्सप्लेन्ड, मतलब जो अनएक्सप्लेन्ड एस्पेक्ट है, दैट unexplained पार्ट है जिसकी चर्चा नहीं हुई है, जो एक्सप्लेन नहीं हुआ है, उसी पार्ट को हम लोग यहाँ रेसिड्यूअल कहते हैं. और हमने हिंदी में बताया कि सबसे उसको कहते हैं. सो द अनएक्सप्लेन्ड और रेसिड्यूअल पार्ट इज एट्रीब्यूटेड टू एन अनस्पेसिफाइड इनपुट दैट इज एजुकेशन एंड एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी. मतलब एजुकेशन एंड एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी जो आइडेंटिफाई नहीं है वो यहाँ रेसिड्यूअल फैक्टर के रूप में यदि लिया जाता है. तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन द एग्रीगेट इनपुट सीरीज इज कंपेयर्ड विद द रेट ऑफ इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट सीरीज बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द फॉर्मर फ्रॉम द लैटर. तो इन इसके जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसकी चर्चा नहीं, उसको ऐड कर देने से इनपुट के रूप में या उसके एनालिसिस में उसके इनपुट को डाल देने से आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट विल मेक यू लर्न कि कंट्रीब्यूशन कितना है. तो रेसिड्यूअल फैक्टर एजुकेशन एज ए रेसिड्यूअल फैक्टर, एज ए थर्ड फैक्टर, एज ए फैक्टर विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड इन इनपुट एंड आउटपुट कंपेरिजन और finding the difference between input and output. Rate of increase in the aggregate input minus rate of increase in the aggregate output. मतलब input और output, कायदे से output ही ज़्यादा होगा, तो output से input को minus करें तो पता चलेगा कि किस कितना role है. मतलब इस factor के add हो जाने से कितना प्रभाव पड़ा, though it is a little bit difficult, but it can be done. It is possible to obtain a measure of the contribution of the residual or third factor with the help of this approach. Third factor, education, technology, or level of education and life. The results obtained by using this approach have
जेनरेटेड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। और ये रिजल्ट आया है थर्ड फैक्टर का, जो अब तक फंडिंग्स रिसर्च हुए हैं उसमें, ये थर्ड फैक्टर दैट इज एजुकेशन, दैट इज रिड्यूस फैक्टर। अदर फैक्टर्स आर कॉमन, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन आर इक्वल, बट अलोंग विथ दोज अदर इक्वल फैक्टर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, इफ एजुकेशन इज बीइंग एडेड द कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टडी दिस अप्रोच हैज जनरेटेड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। और लोगों को लगा है कि शिक्षा थर्ड फैक्टर की तरह काम कर रहा है, यदि समान दो परिस्थिति है और यदि एजुकेशन उसमें ज़्यादा है तो एजुकेशन का के इम्पैक्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज करता है, लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन को इस अप्रोच के आने से बढ़ावा मिला है। दिस अप्रोच हैज ऑल्सो हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी रिगार्डेड एज एन इन्वेस्टमेंट ओइंग टू इट्स क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस के फलस्वरूप यह हुआ है कि लोगों ने ये मानना शुरू किया है कि जब दो परिस्थिति बिल्कुल सेम है तो एक में एजुकेशन के होने की वजह से ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है, लिहाजा एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट की मदद से क्या किया जा सकता है, इसकी मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो रेसिडुअल का मतलब है कि अदर फैक्टर्स आर सिमिलर एंड वन फैक्टर इज एडेड एज द थर्ड फैक्टर एज वी हैव टोल्ड हियर एज ए रेसिडुअल फैक्टर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इज विजिबल, कैन बी मेड मेजरेबल एंड कैन बी क्वान्टिफाई। और इसी की वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल मिला है और ये सिद्ध हुआ है नहीं नहीं एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, यदि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा कमा के देगा, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। सो इन द अप्रोच विच वी वर डिस्कसिंग रेसिडुअल अप्रोच वी कैन से दैट कि दो फैक्टर यदि सब बराबर है तो थर्ड फैक्टर के रूप में जो रेसिडुअल फैक्टर है एजुकेशन को ऐड किया जाता है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन को निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है और वो पॉजिटिव है, उसका इम्पैक्ट है, फाइंडिंग्स आई है और उससे बल मिला है ये कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स है और उसके इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस रेसिडुअल अप्रोच। थैंक्स।